गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में इंग्लिश विद रोहित। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 3 पैसिव वॉइस। पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। अगर आपको पैसिव वॉइस को अच्छे से समझना है तो आप सारा सीरीज ध्यान से देखें और सीरियल वाइज देखें। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। देखिए, पार्ट 3 पैसिव वॉइस में हमने लिया है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस का हमारा पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसके हमने कोई एग्जांपल नहीं लिए हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ साथ बीइंग भी लगाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म थी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप ध्यान रखना इज एम आर के बाद बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है लेकिन ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहां पर मैं एक्टिव हूं, मैं काम कर रहा हूं। आपको बताया था कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होकर कोई काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब सेंटेंस में काम किसी के द्वारा किया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यहां पर मेरे द्वारा काम हुआ और हमारी मेन वर्ब है लिखना और वर्ब के साथ जा रहा है, आ रहा है। तो आपको पहले जो हमारा पार्ट 1 है उसमें आपको बताया गया था कि जब मेन वर्ब के साथ जा रहा है, गया, जाएगा, जाता है जैसे शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। और पत्र लिखा जा रहा है, इस सेंटेंस में मेरे द्वारा शब्द नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस में हमने डूअर को हटा दिया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें काम करने वाला ना दिखाई दे और कोई काम हो रहा हो उसे भी आप पैसिव वॉइस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है हमारा पत्र, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर काम किया जाता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानते हैं। तो लिखने का काम पत्र के ऊपर हो रहा है तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे पत्र को। अ लेटर इज एम आर आ गया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न बाय मी, मेरे द्वारा। अ लेटर इज रिटर्न, बीइंग रिटर्न बाय मी। अगर हमें ये सेंटेंस बनाना हो कि पत्र लिखा जा रहा है तो आप ध्यान से देखिए, इसमें मेरे द्वारा शब्द सिर्फ यहां से हटाया गया है। तो अगर आप सेंटेंस इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सेंटेंस बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन और बाय मी हम हटा देंगे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की, जो कि है मैं पत्र लिख रहा था। ये भी एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहां पर मैं एक्टिव हूं, काम कर रहा था मैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसका पैसिव बनेगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। अगेन फिर वही बात ध्यान रखने की कि मेन वर्ब के बाद अगर जाना शब्द आपको दिखाई दे तो वो पैसिव वॉइस की फॉर्म होती है, और अगर आपको सेंटेंस में मेरे द्वारा, उसके द्वारा, द्वारा शब्द दिखाई दे तो वो भी पैसिव वॉइस की फॉर्म होती है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है पत्र, अ लेटर, रूल के हिसाब से चलें तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब आता है, सिंगुलर नाउन है तो वॉज लगाया हमने, अ लेटर वॉज, देन बीइंग का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। यहां पर भी आप देखिए हमने डूअर को मिसिंग किया है, पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, पत्र हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेटर वॉज बीइंग रिटन, यहां तक आपका सेंटेंस अगर इसकी ट्रांसलेशन आप बनाते हैं तो लेटर वॉज बीइंग रिटन और बाय मी हमारा हट जाएगा क्योंकि हमने यहां पर हिंदी में से भी हटा दिया है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान रखें 2-3 बातों का, जो हमारी फर्स्ट वीडियो उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स आपको बोला था कि आप उसमें से लिख लें उस वीडियो को पॉज करके। वो सारे पॉइंट्स जब आपको याद होंगे तो आपको ये बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पैसिव समझने में आसानी रहे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।